चलिए हम एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जिसे द हॉर्स एंड द कार्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को हम ये पढ़ाते हैं ये टॉपिक, तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्टेट क्रिएट हो जाती है। वो कंफ्यूजिंग सी स्टेट क्या होती है कि जब भी हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, ये हॉर्स है, जब इस पे कार्ट पे अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और वो इसको विप करता है, तो हॉर्स जो है इस कार्ट को आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं अगर उस फोर्स को हम ऐसे शो करें यहाँ पर, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, ठीक है, ऑन द कार्ट। तो कई सारे स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि सर अगर फोर्स जो है, हॉर्स एक फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसे एक्शन फोर्स कहेंगे तो कार्ट भी हॉर्स के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगा रहा होगा, और ये होगा फोर्स अप्लाइड बाय कार्ट ऑन द हॉर्स। ठीक, अब सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि सर ये एक्शन अगर एफ मैग्नीट्यूड का है, मान लीजिए कुछ 10 न्यूटन है लेट अस से, तो सर रिएक्शन भी 10 न्यूटन का हो गया, और अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, मतलब अगर आई कैप में है मान लीजिए इसका डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप में। तो स्टूडेंट्स जनरली जो डाउट लाते हैं वो ये लाते हैं कि सर देखिए अगर हम नेट फोर्स देखें तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन रिजल्टेंट अगर फोर्स हम देखे जाए सिस्टम पे। तो सर जब अगर नेट फोर्स 0 है तो ये सिस्टम एक्सिलरेट क्यों कर रहा है, हॉर्स आगे क्यों जा रहा है और कार्ट भी आगे क्यों जा रहा है। अब ये उनका बिल्कुल एक जेन्युइन डाउट है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले उनको ऐसी भी किसी भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, वो जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनको सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सिस्टम आखिर क्या चीज। तो सबसे पहले हम उनको सिस्टम के बारे में समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है एक्चुअल में, किसी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आपको पहले सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके मोशन की बात की जा रही है, किसके एक्सिलरेशन की बात की जा रही है, और सिस्टम क्या है, और सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, उनको ड्रॉ करना हमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम सिस्टम की बात करें तो तीन हम सिस्टम यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। एक तो है खाली हॉर्स, सिर्फ हॉर्स एक हमारा सिस्टम हो, ठीक। एक है खाली कार्ट, कार्ट हमारा एक सिस्टम है, और एक सिस्टम कह सकते हो आप हॉर्स प्लस कार्ट का, ठीक है, अलग अलग सिस्टम की ये चॉइस हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि हमें खाली हॉर्स को समझना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई नेट फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम एक्सिलरेट क्यों कर रहा है, कार्ट एक्सिलरेट क्यों कर रहा है। तो मान लीजिए अगर हम खाली हॉर्स को देखें, अगर हम सिर्फ हॉर्स की बात करें यहां पर, तो आप देखेंगे कि अगर हम हॉर्स को सिर्फ सेपरेटली ड्रॉ करते हैं यहां पर, चलिए नेक्स्ट पेज पे अगर हम इस हॉर्स की बात करें सिर्फ, तो इस हॉर्स का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब एक ऐसा डायग्राम स्टूडेंट्स जहां पर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जिसको हमने सेपरेट करा है उस पर टोटल फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है वो देख सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हॉर्स का मास एम एच है, तो एक उस पर वेट लग रहा होगा हॉर्स का जो अर्थ की तरफ होगा, मास ऑफ हॉर्स इंटू जी एम जी, ठीक है। हॉर्स के ये जो फीट हैं ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इन पे एक सब सारे फोर्सेस जो चारों फीट हैं उसके अगर हम एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन लिख लें, तो ये अलग अलग चारों पैर पे नॉर्मल रख रहा हो उसको हम कंबाइन करके एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन एन मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है। देखिए आमतौर से स्टूडेंट क्या करता है, वो सिंगल नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा लेता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, चलिए नॉर्मल पे हम बाद में आते हैं, पहले हम एक और फोर्स देखते हैं कि जो हॉर्स जब पुल कर रहा है कार्ट को, तो कार्ट जो है वो हॉर्स को पीछे की तरफ पुल कर रहा है, तो ये हॉर्स पे पीछे की तरफ ये फोर्स लग रही है एफ, दिस इज एफ, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स जो उसको पीछे की तरफ पुल कर रही है, ठीक। और दूसरी चीज क्या है अगर हम देखें यहां पर, तो आप ये देखिए इस वाले फीट को देखिए आप, जनरली ये जो फीट है ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो फीट है ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कुछ इस तरीके से लगा रहा होगा, इसको अगर हम नॉर्मल रिएक्शन एन बोले तो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम ये माने कि ये एन लगा रहा है, दिस इज एन बाय हॉर्स ऑन ग्राउंड,
ये हमारे साथ भी, अगर हम नॉर्मली ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है वो ग्राउंड को इस तरीके से कुछ प्रेस कर रहा होता है पीछे की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे है वर्टिकल से, तो इसी का रिएक्शन लगाएगा कौन, इसी का रिएक्शन लगाएगा ग्राउंड हॉर्स पे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम आगे तक अगर एरो ड्रॉ करें, दिस इज द नॉर्मल बाय ग्राउंड ऑन हॉर्स, ठीक। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एक नॉर्मल का कॉम्पोनेंट अगर आप देखें ये, तो एक इधर एक कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा नॉर्मल कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट आएगा अलोंग द ग्राउंड जो होगा नॉर्मल साइन थीटा। अब यहां पर देखिए बहुत क्लैरिटी हमें इस फिगर पे आ रही है कि अल्टीमेटली हॉर्स क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि पैसेंजर उसको विप कर रहा है। तो जब पैसेंजर विप कर रहा है तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस समझिए। पैसेंजर ने जैसे ही हॉर्स को विप करा तो हॉर्स ने अपने पैरों से जमीन को प्रेस करा, जमीन ने को जैसे ही हॉर्स ने प्रेस करा तो उसका रिएक्शन हॉर्स पाया ये वाला, और उस रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट है नॉर्मल साइन थीटा जो कि देखोगे आप पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। और नॉर्मल कॉस थीटा ने क्या करा, नॉर्मल कॉस थीटा ने हॉर्स के वेट को बैलेंस कर लिया, क्योंकि हॉर्स ऊपर नीचे जमीन में तो मूव नहीं कर रहा है, वो आगे आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉर्स पे फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव एक्स में कौन सी फोर्स है, वो है नॉर्मल साइन थीटा, और पीछे की तरफ कौन सी फोर्स है, ये एफ है, जो कि कौन लगा रहा है, जो कि ये जो कार्ट है इसमें पैसेंजर जब टेंशन क्रिएट जो हो रही होगी, जब पैसेंजर इसको मार रहा होगा तो हॉर्स कार्ट को खींच रहा होगा, तो कार्ट भी हॉर्स को पीछे की तरफ जो खींच रहा होगा, दिस इज द फोर्स ऑन कार्ट ऑन हॉर्स बाय द कार्ट, ये एफ। तो आप देखोगे कि प्लस नॉर्मल साइन थीटा माइनस एफ जो पीछे की तरफ है वो नेगेटिव एक्स में, इसलिए माइनस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ हॉर्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ हॉर्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। ये तो हमने पूरा डिस्कशन करा हॉर्स का। अब आप देखो यहां पर एक चीज समझने की है कि जो नॉर्मल साइन थीटा है यहां पर फ्रिक्शन का भी रोल आएगा, ठीक है, ग्राउंड में फ्रिक्शन भी होगी जिसको अभी यहां पर हमने इग्नोर करा हुआ है। अदरवाइज आप देखो कि यहां पर जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम फ्रिक्शन नहीं लें, यहां पर फ्रिक्शन भी हमें लेना पड़ेगा, बट अगर मान लो अगर हम, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो ये तो कभी मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फोर्स आ रही है नॉर्मल साइन थीटा, आप देखोगे ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, क्यों, क्योंकि ये थीटा वेरी करेगा, ठीक है, दिस फोर्स इज एडजस्टेबल एज पर द सिचुएशन, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर नॉर्मल साइन थीटा की वैल्यू पीछे वाली जो पुलिंग फोर्स है जो हॉर्स को पीछे खींच रही है उससे ज्यादा हो गई तो हॉर्स आगे मूव कर जाएगा, ठीक। यहां तक हॉर्स की बात समझ में आ रही है, मतलब हॉर्स को मूव करवाने के लिए नॉर्मल साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट, माइनस एफ का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये जो फोर्स है एन साइन थीटा माइनस एफ, ये हॉर्स को आगे एक्सेलरेट करवाने में मदद करेगी। अगर नॉर्मल साइन थीटा की वैल्यू एफ से ज्यादा हो गई तो वो आगे बढ़ेगा, अगर कम हो गई तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा देखो कई बार ऐसा होता है कि आप विप कर रहे हैं लेकिन हॉर्स आगे नहीं बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी कि जब भी विप करोगे हॉर्स आगे मूव करेगा। तो अगर आपने विप ज्यादा करा, मान लो जोर से आपको अपने घोड़े को मारा, तो हो सकता है घोड़े को ज्यादा दर्द हुआ तो उसने पैर को ज्यादा जोर से दबाया जमीन पे और नॉर्मल साइन थीटा की वैल्यू बढ़ गई, और जैसे ही नॉर्मल साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी एफ से ज्यादा हो गई वो आगे मूव कर गया, ठीक है। कई बार हॉर्स नहीं भी मूव करता है विप करने से, तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों नहीं मूव कर रहा है, ये जो नॉर्मल साइन थीटा है इसकी वैल्यू कम है इसका मतलब उस वक्त। तो नॉर्मल साइन थीटा कुल मिला के किस पर डिपेंड कर रहा है, हॉर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जमीन को कितने जोर से प्रेस कर रहा है, क्योंकि वो एन एन का मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड कर रहा है, और एन का मैग्नीट्यूड और थीटा किस एंगल पे वो प्रेस कर रहा है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो बात जो भी हुई वो हॉर्स की हुई, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कार्ट की, कि कार्ट का क्या सीन हो रहा है। देखिए कार्ट को हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं इतना हिस्सा, ये देखिए कार्ट है हमारा, ठीक है। अब देखो जब हॉर्स खींच रहा होगा कार्ट को तो कार्ट पे एक फोर्स इधर लग रही होगी, दिस इज द फोर्स एफ ऑन कार्ट बाय द हॉर्स, और इसकी वैल्यू एफ ही होगी। देखिए
ये वैल्यू एफ है, कौन सी वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है, दिस इज एफ एंड दिस इज ऑल्सो एफ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक सही है। कार्ड का कुछ मास होगा मान लेते हैं एम सी, तो उसका वो वेट नीचे लग रहा होगा एम सी, एम सी जी, और कार्ड के व्हील्स पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, वो कार्ड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से यहां पर बात आती है कि कार्ट के भी दो कॉम्पोनेंट्स होंगे यहां पर, देखो यहां पर भी दो कॉम्पोनेंट्स होंगे कार्ट पे भी, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन और एक होगा फ्रिक्शन, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पर होगा, ठीक है, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब वही बात आ गई कि ये जो अब देखो इस कार्ट के अगर हम एफबीडी बनाए तो पॉजिटिव एक्स में कौन सी फोर्स है ये वाली, और नेगेटिव एक्स में कौन सी फोर्स है ये फ्रिक्शन। तो प्लस एफ माइनस फ्रिक्शन स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास ऑफ कार्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट। तो एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट कितना आ जाएगा, प्लस एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ कार्ट। अब देखो यहां पर समझने की जो चीज है वो क्या है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, आपको मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन जब होती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, अगर ये जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है अगर ये फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, और अगर ये फ्रिक्शन से कम हो गया तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आम तौर से जो कॉन्सेप्ट आता था वो ये आता था कि भाई ये जो हॉर्स और कार्ट है इनपे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ये देखो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हम दिखा रहे हैं, तो ये एक्चुअल हम इसलिए नेट फोर्स जीरो दिखा रहे हैं क्योंकि हमने सिस्टम को गलत चूज कर लिया। हमने क्या करा है, स्टूडेंट्स आमतौर से क्या कंफ्यूज होते हैं, वो पूरे इस चीज को एक सिस्टम मान लेते हैं, हॉर्स और कार्ट को अगर सिस्टम आप मान लोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बट आपको जिसका मोशन कंसिडर करना है आप इंडिविजुअल बॉडीज का मोशन कंसिडर करिए, इसको प्रॉपर स्टडी करिए सिर्फ फोर्स को, उस पे सारी सेट ऑफ फोर्सेस एनालाइज करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए उसका, और फिर आप कार्ट को एनालाइज करिए उसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए, ठीक है। क्लियर है यहां पर बात, आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो वैल्यूज आ रही है हमारी, देखो एक तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आई एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, और एक वैल्यू ये आ रही है एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स। होता ये है यहां पर कि भाई कार्ट और हॉर्स दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। मान लो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो देखेगा तो भाई घोड़ा जितने एक्सेलरेशन से जा रहा है उसके पीछे जो कार्ट है वो भी उतनी एक्सेलरेशन से जा रही है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो ये जो टर्म आ रहा होता है दोनों तरफ, ये देखो ये जो वैल्यूज होती हैं एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स और एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। और वो क्यों इक्वल होती हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स में ये जो टर्म है एन साइन थीटा माइनस एफ बाय एमएच, इसमें से एन साइन थीटा एक एडजस्टिंग फोर्स है, ये इस हिसाब से एडजस्ट होती है, और यहां पर फ्रिक्शन भी इस हिसाब से एडजस्टिंग होता है। देखो इसमें इन दोनों टर्म्स को अगर हम एक साथ लिखें, चलो यहां पर एक बार लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स को हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स को हमने लिखा एन साइन थीटा माइनस एफ अपॉन मास ऑफ हॉर्स, और एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट को हमने क्या लिखा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट को हमने लिखा एफ माइनस ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ कार्ट, ठीक। अब देखो ये जो एक फोर्स है ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो सकती है इसकी वैल्यू, और ये जो फ्रिक्शन है ये भी एडजस्टेबल है। ये एफ क्या है, बड़ा एफ ये जो लिखा है ये क्या है, ये कार्ट पे टेंशन है, वो जो जिस रस्सी से या किसी जो वुडन उससे जो बंधा हुआ होता है ये उसमें टेंशन है, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू, और मास ऑफ फोर्स ये फिक्स वैल्यू है, ये भी एक फिक्स वैल्यू है, और मास ऑफ कार्ट ये भी एक फिक्स वैल्यू। तो यहां पर क्या क्या चीजें वेरी कर सकते हैं, एन साइन थीटा वेरी हो सकता है और यहां पर फ्रिक्शन वेरी हो सकता है। तो जब एन साइन थीटा और फ्रिक्शन इस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर केस में के एक्सिलेशन ऑफ हॉर्स और एक्सिलेशन ऑफ कार्ट की वैल्यू को इंसिडेंटली इतफाक से सेम आ जाए, तो हमें ऑब्जर्वर जो ग्राउंड में है ऑब्जर्वर सीज बोथ आर एक्सिलेटिंग, ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि भाई दोनों जो है एक्सिलेट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन विद सेम एक्सिलेशन। ये है पूरा कॉन्सेप्ट।
ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।